आप लोग 2024 में सोलर पैनल की नई प्राइस जानना चाहते हो और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको 10 किलोवाट सोलर के 2024 के बिल्कुल नए प्राइस बताऊंगा। सब्सिडी मिलने के बाद, जो पीएम सूर्य घर योजना के बाद नई सब्सिडी आपको मिलेगी तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी ऑन ग्रिड 10 किलोवाट सोलर सेटअप। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पर लगी हैं। तो सोलर पैनल्स जो आप देख रहे हैं, ये टोटल 18 सोलर पैनल्स हैं। UTL सोलर कंपनी के हाफ कट सोलर पैनल्स हैं ये। 545 वॉट का एक सोलर पैनल है जिसके ऊपर आपको ब्रांड की तरफ से जो इसकी परफॉर्मेंस वारंटी है वो मिलती है 27 साल की। 545 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा 10 किलोवाट का ये सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए हाई राइज स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। ये हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर है। हाई राइज होने से फायदा ये होता है कि जो नीचे छत है उसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हो जैसे आप सोलर पैनल लगने से पहले करते थे। साथ में आपको थोड़ा सा इसकी फाउंडेशन का ध्यान रखना होता है। स्ट्रक्चर तो मजबूत है लेकिन उसको और मजबूती मिल जाती है जब थोड़ा सा आप सिविल वर्क करा लेते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंक्रीट की मदद से ब्लॉक बनाए गए हैं और स्ट्रक्चर को उसमें लगाया गया है तो इससे इसकी मजबूती और भी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए कुछ डिवाइसेस को लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है लाइटनिंग अरेस्टर। तो आसमान से जो बिजली गिरती है पूरे प्रोजेक्ट को उस बिजली से बचाने के लिए इस लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। ये कॉपर की एक रोड होती है, इसको लगाया जाता है सोलर पैनल की हाइट से थोड़ा ऊपर। तो सोलर पैनल्स नीचे हैं उनसे ऊपर इसकी हाइट रखी जाती है। आसमान से जो बिजली गिरेगी वो पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके साथ एक अर्थिंग की वायर कनेक्टेड है तो वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड हो जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। आपका पूरा प्रोजेक्ट सेफ रहेगा। जो सोलर पैनल्स हैं उन सारे पैनल्स को आपस में कनेक्ट करके वहां से जो स्ट्रिंग आती है, जो वायर आता है, उसको नीचे लाया जाता है इन्वर्टर तक। और ये जो वायर यूज किया जाता है इसके कनेक्शन के लिए ये होता है डीसी वायर। ऐसे इसमें जो आपको ये ग्रीन कलर की वायर दिख रही है ये अर्थिंग की वायर है। पूरे प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए अर्थिंग होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीन अर्थिंग करी जाती है। पहली होती है सोलर पैनल्स की सेफ्टी के लिए, तो डीसी साइड की एक अर्थिंग होती है। दूसरी होती है लाइटनिंग अरेस्टर के साथ जो कनेक्टेड होती है, और तीसरी अर्थिंग होती है जो घर के एसी साइड के लोड की तरफ से होती है। अब जो आपके सोलर पैनल्स हैं ये तो कई साल तक चलेंगे लेकिन वायरिंग भी आपकी इतने साल तक चलनी चाहिए। उसके लिए वायरिंग को सेफली लगाया जाता है और कॉन्डुइट पाइप का यूज किया जाता है जिससे वायर की लाइफ बढ़ सके। तो यहां पर आप देख सकते हो कॉन्डुइट पाइप का यूज किया गया है। इसको HDPE कॉन्डुइट पाइप बोलते हैं और ये क्वालिटी के मामले में काफी बढ़िया होता है। तो सोलर पैनल्स का जो कनेक्शन है वो इन्वर्टर में जाने से पहले जाता है DC-DB बॉक्स में। तो ये सेफ्टी के लिए एक बॉक्स लगाया जाता है जिसमें काफी सारी SPDs और MCBs आपको देखने को मिलती है। इसके बाद ये इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर भी आप देख सकते हैं UTL सोलर के इन्वर्टर का यहाँ पर यूज किया गया है। 10 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट है तो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर यहाँ पर लगाया गया है। सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डोंगल भी लगा हुआ है। तो डोंगल से ये होता है कि इन्वर्टर में इतनी बड़ी डिस्प्ले है उसमें सारा डेटा आप देख ही सकते हैं लेकिन डोंगल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू अपने फोन में UTL सोलर की ऐप डाउनलोड करके आप उसमें भी सारा डेटा देख सकते हैं। तो डेटा की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक एक चीज दिखाता है। डेली की आपकी यूनिट्स जनरेशन दिखाएगा, डेली आपकी कितनी यूनिट्स जनरेट हो रही हैं, उसके अलावा टोटल जब से ये प्रोजेक्ट लगा है तब से कितनी यूनिट्स ये जनरेट कर चुका है और एक एक घंटे के हिसाब से जो पीक बनता है ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है सूरज एकदम टॉप पर आ जाता है तो उसके बाद यूनिट जनरेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है और ये सारा डेटा आप ऐप में भी देख सकते हो। इन्वर्टर से जो वायर निकलता है यहाँ से, अब जो हम वायर यूज करेंगे ये हो जाता है AC वायर और ये जाएगा फिर पहले AC-DB बॉक्स में। जैसे हमने DC-DB बॉक्स देखा था जो सोलर पैनल DC साइड की तरफ से एक प्रोटेक्शन डिवाइस का काम करता है, इसी तरह से AC-DB बॉक्स है जो AC साइड से प्रोटेक्शन डिवाइस का काम करता है। उसके बाद ये पूरा कनेक्शन जो है नीचे चला जाता है, जो खंबे से लाइन आ रही है, नेट मीटर लगा हुआ है उसके साथ पूरा कनेक्शन रहता है और जो घर के अप्लायंसेज होते हैं वहां पर ये सारा कनेक्शन रहता है। तो ये ऑन ग्रिड सोलर सेटअप है। इसमें वैसे तो इन्वर्टर बैटरी नहीं लगते लेकिन अगर आप अलग से अपने पर्सनल इन्वर्टर बैटरी लगवाना चाहो तो वो लगा सकते हो। जितनी इलेक्ट्रिसिटी ये सोलर पैनल्स जनरेट कर रहे हैं उतनी आप यूज कीजिए। अगर आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ग्रिड में चली जाती है और आपका जो बिजली का बिल है उसमें आप देखेंगे उतनी ही यूनिट्स एडजस्ट हो जाती हैं। तो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए। अब हमारे साथ नरेश जी हैं जिनका ये घर है, जिन्होंने अपने घर पर ये प्रोजेक्ट लगवाया। तो नरेश जी सबसे पहले वेलकम। धन्यवाद सर। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए। हमारा मकान है जो 1500 गज में बना हुआ है और ये दौलताबाद गुड़गांव के अंदर आता है, सेक्टर 103। कितना टाइम हो गया आपको ये मकान बनाए हुए? 2 साल हो गए जी। और क्या क्या अप्लायंसेज आप इसमें यूज करते हो? घर में जो जरूरी चीजें सभी यूज करते हैं, जैसे 2 AC है, वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन है, सबमर्सिबल की मोटर है, 2 पानी की मोटर है, ठीक है। और घरों में जैसे पुरानी चाखी होती है वो भी यूज करते हैं और ये चीज तो नॉर्मल है, पंखे ट्यूबलाइट ये तो नॉर्मल है। और जो ये सोलर पैनल आपने लगाया, इसको लगाने से पहले आपका बिजली का बिल कितना आता था? हमारा बिल आता था गर्मियों के समय में
13,000, 14,000, 14,500 ऐसे बिल आता था। अच्छा, तो ये गुड़गांव में मेरे ख्याल से 2 महीने की बिलिंग साइकिल होती है। हाँ जी। तो 14,000 का अगर हम 1 महीने का निकालें तो लगभग 7-8,000 का आपका बिल आता जी हाँ। और वही बिल सर्दियों में आता था 3,500 या 4,000। तो उसके बाद आपको ये सोलर के बारे में कहाँ से पता चला? सोलर के बारे में जैसे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि भाई सोलर लगवाओ, तो फिर मैंने ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है। तो फिर हमारी बात हुई, मंजू वायर्स है गुड़गांव में, कपिल भाई है जो हमारे वेंडर हैं। अच्छा। उन्होंने पहले पूछा था कि घर पे कितना लोड यूज करोगे, लोड के हिसाब से था। मैंने बताया जी हमें इतना लोड यूज करना है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए 10 किलोवाट बेटर रहेगा। ठीक है। उसने फिर वे यहाँ पे आए, उन्होंने सर्वे किया, इसकी प्रॉपर ड्राइंग बनाई छत की। अच्छा। तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार किया। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जैसे नॉर्मल ये देखना होता है कि छत पे हमारे उतना एरिया भी होना चाहिए। हाँ जी। तो एरिया की तो कमी है नहीं। हाँ जी। और आसपास कोई ऐसे पेड़ या बिल्डिंग भी नहीं है जो छाए पड़ रही हो आपके ऊपर। जी हाँ। तो उस हिसाब से ये सारा सही है। कितने टाइम पहले आपने ये पूरा स्ट्रक्चर सोलर का लगवाया था? ये मुझे लगवाए हुए जी 3-4 महीने हो चुके हैं। 3-4 महीने मतलब 2023 में आपने लगवाया? हाँ जी। कितने टाइम के अंदर ये लग गया था पूरा? शुरू में जो प्रोसीजर होता है जो बिजली डिपार्टमेंट से होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन का होता है। तो वो जैसे जितने किलोवाट का सोलर होता है तो उतने किलोवाट का आपको घर का मीटर भी लेना होता है, सैंक्शन लोड बोलते हैं। हाँ जी। हाँ। तो उसमें थोड़ा टाइम वो हो गया था, फिर ये लगा दिया था भाई ने। तो 3-4 महीने में अभी तक आपका कोई बिजली का बिल आया है? जी हमारा जब से लगवाया अब तक बिजली का बिल बिल्कुल नहीं आया है। अच्छा, तो सारा आपका मतलब बिल्कुल जीरो है? जीरो है बिल्कुल। और उसके अलावा जो घर के अप्लायंसेज आप सारे वैसे यूज कर रहे हैं, चक्की भी अपनी यूज कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। एक आपने मेरे को बताया था कि आप इंडक्शन चूल्हा भी यूज कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे नॉर्मल घरों में लोग गैस सिलेंडर के ऊपर खाना बनाने का सारा करते हैं, आप क्योंकि बिजली आपकी फ्री की बन रही है तो आप इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं। हाँ जी। तो जो सिलेंडर का यूज है वो कम हुआ है थोड़ा आपका? हम पहले जैसे सोलर लगा हुआ था तो हम गैस यूज करते थे। ठीक है। तो हमारा सिलेंडर 1 महीना भी नहीं चलता था। तो हमने सोचा जो हमारी बिजली हमारे सोलर लग रहा है, हमारे बिल माइनस में है, तो क्यों ना हम अपना इंडक्शन यूज करें। ठीक है। तो मैं इंडक्शन लेके आया तो मेरा सोच लो जो एक सिलेंडर महीना चलता था। हाँ। अब वही सिलेंडर मेरा 2 महीने चलता है। 1,000 रुपए की सीधी सीधी बचत तो मेरी हर महीने सिलेंडर से हो जाती है। नरेश जी ये और बताइए कि जैसे ये आपने पूरा सोलर पैनल का सेटअप लगाया है, ये सब्सिडी के साथ लगाया है आपने? हाँ जी। अच्छा, सब्सिडी के साथ लगवाया जी? बिल्कुल। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से सब्सिडी का जो अमाउंट है वो चेंज हुआ है, आपने 2023 में लगाया था, तो कितनी सब्सिडी आपको मिली थी इस पे? मुझे मिली थी शायद 93,000 मिली थी भाई साहब। 94,000 कुछ आपको? हाँ जी, इतना ही था। हाँ, तो उस टाइम पर जो 10 किलोवाट पे सब्सिडी मिलती थी 94,000 की। हाँ जी। और इसकी जो पूरे सोलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट है आपको कितनी बैठी थी? वो 5.5 लाख रुपए बैठी थी और बाकी फिर सब्सिडी थी वो हमारे अकाउंट में आ गई थी। अच्छा, वो अकाउंट में आ गई थी। हाँ जी। मैं देख सकता हूँ कि काफी चीजें बढ़िया लगी हुई हैं, जैसे स्ट्रक्चर हाई राइज है तो आप छत अपनी पूरी यूज कर सकते हैं। जो हमारी कॉस्ट कुछ ज्यादा लगी है वो इसी वजह से लगी है भाई साहब, इसकी हाइट हमने थोड़ी बढ़ा के करवाई है। ठीक है। जो इसके नीचे से जो इसकी जगह है हम उसको यूज कर सके। ठीक है। नहीं तो वो हाइट नीचे होती फिर जगह वेस्ट हो जाती। कुछ उसमें वो था जो हमारी बिजली की टंकी है। हाँ। वो हमारे घर से कुछ काफी दूर है। अच्छा, जो हमारी वायर आई थी। हाँ। उसमें भी कुछ ज्यादा कॉस्ट लग गई थी, इस वजह से 5.5 लाख। ये वो पूरी सारी कॉस्ट इंक्लूड करके बता रहे। अच्छा, फिर उस हिसाब से तो ये कॉस्टिंग आपकी ठीक है। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि 2024 में अगर वो 10 किलोवाट का सोलर सेटअप लगाएंगे तो कितनी कॉस्ट बैठेगी, तो उन्हें मैं बता देता हूँ। जैसे अगर सब्सिडी के साथ आप लगवाते हैं तो लगभग 5-5.5 लाख रुपए का आपका सोलर सेटअप लगेगा 10 किलोवाट का। 5.5 का भाई साहब का इसलिए लगा क्योंकि हाई राइज स्ट्रक्चर है, वायर काफी दूर से इनकी आई है, वरना 4.5-5 लाख में स्ट्रक्चर लग जाता है। उसमें जो अब सब्सिडी है वो 10 किलोवाट पे नहीं मिलती, अब जो नई स्कीम है उसमें 3 किलोवाट के ऊपर सब्सिडी मिलती है। शुरू के 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे आपको 78,000 की सब्सिडी मिलती है। और कुछ स्टेट्स में आपको स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ी सी सब्सिडी देती है, जैसे यूपी में अगर आप 1 किलोवाट का सोलर लगाओगे तो 15,000 सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, 1 किलोवाट से बड़ा लगाओगे तो 30,000 दे देती है। लेकिन हम हरियाणा में हैं तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी तो है नहीं, पर आज की डेट में अगर आप 10 किलोवाट का लगाओगे तो आपको 78,000 की सब्सिडी मिल जाएगी, जो वो कॉस्ट है वो रहेगी। और सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है भाई साहब के? डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आई थी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने सभी भाइयों को, जो बिजली की चोरी सभी करते हैं सभी को पता है, अगर कहीं छापा गिर गया बिजली वालों ने आपको पकड़ लिया तो घर का जितना लोड होता है उसके हिसाब से आपको क्लेम भी देना पड़ता है। बिल्कुल। अगर जितने का मेरा सोलर लगे अगर मैं एक बार चोरी करता हुआ पकड़ा कर जाता हूँ तो इतनी तो मुझे बिजली वालों को फाइन के रूप में देना पड़ जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है, इससे कोई भी आप सारी उम्र के लिए ये हो जाएगा, अगर आप निश्चिंत हो जाओगे कि हमारे घर पे कोई बिजली वाला चेक करने आएगा ही नहीं। बिल्कुल। चोरी करने की तो जरूरत पड़ती ही नहीं भाई साहब इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नरेश जी मेरे को एक चीज और बताइए, जैसे ये ऑन ग्रिड सोलर है
इसमें बैटरी नहीं लगती। जितनी बिजली सोलर सेटअप बना रहा है वो आप यूज करिए, जितनी आप यूज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा होगी वो खंभे में चली जाएगी। तो अगर मान लीजिए कभी लाइट चली जाती है तो ऑन ग्रिड सोलर जो है वो लाइट जाने पर काम नहीं करता। बिल्कुल। तो ऐसे में जब वो काम नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करते हैं, मतलब घर के अप्लायंसेस कैसे चलते हैं आपके? जो घर में नॉर्मल इन्वर्टर लगता है जैसे उससे चलता फिर ये। अच्छा, तो जो आप पहले नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी का सेटअप यूज करते होंगे वो अभी भी आप कर रहे हैं? जी हाँ। तो इसमें नरेश जी ये और बताइए कि जैसे ये कितनी बिजली बना रहा है सोलर सेटअप आपका, आपको कितनी बोली गई थी और क्या ये उस हिसाब से बना रहा है, और आप कैसे इसको मॉनिटर करते हो? देखो जो भाई साहब जो हमारे वेंडर थे उन्होंने बोला था मेरे को कि ये भाई 40 से 50 के बीच में बनाएगा। ये हिसाब जो होता है वो ये रहता है कि 1 किलोवाट का सेटअप 4 से 5 यूनिट बनाता है। हाँ जी। तो ये 10 किलोवाट हो गया तो 40 से 50। हाँ जी। अब उसमें क्या होता है कि अगर मौसम एकदम साफ है, धूप अच्छी निकल रही है तो 50-55 यूनिट हो जाती है। हाँ जी। अगर बादल हैं हल्के हल्के तो थोड़ी कम भी रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूरे साल का आपका एवरेज आउट हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल भाई। आप इसको मॉनिटर कैसे करते हैं? कोई सीधा जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर की स्क्रीन पर दिख जाता है कितनी बिजली बन रही है। हाँ जी। और भी कोई तरीका है देखने का इसका? भाई साहब एक तरीका ये है, इसमें डोंगल लगा हुआ है। अच्छा। तो उसके लिए आपको वाईफाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मैंने वाईफाई लगवा रखा है तो इसका एक यूटीएल का ऐप होता है। ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यूटीएल का ऐप है। ठीक है। अभी आपको दिखा रहा है, अभी तक जैसे अब टाइम हुआ है 1:34। ठीक है। तो इसने 30 यूनिट तक बना चुका है हमारा सोलर ये। अच्छा। तो मैं चेक कर सकता हूँ कल इसने कितनी बनाई, परसों कितनी बनाई, 1 तारीख को कितनी बनाई, पूरे साल का इसमें आपको दिख जाएगा। जिस भी तारीख पे उस पे क्लिक कर रहे हैं। हाँ। तो उसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि इस तारीख को कितनी बनी है। हाँ जी। जैसे 8/8/3 इसको बनाई इसने 50 यूनिट बनाई है। अगर मैं घर से बाहर भी हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ अगर मेरा सोलर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस पे इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि जैसे जब से ये लगा है तब से इसकी मेंटेनेंस का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि बहुत से लोग तो ये डरते हैं कि लगवाने का तो खर्चा है ही, फिर इसको मेंटेन करने का बहुत खर्चा है। तो आप बताइए कुछ खर्चा है मेंटेन इसका? मेंटेनेंस का भाई साहब कुछ खर्चा नहीं है। अच्छा। बस 10-15 दिन में एक बार इसको पानी से इसको साफ कर दीजिए। अच्छा। मैंने बड़ा वाइपर लेके आया हुआ हूँ मैं ये। ठीक है। इस पे बस पानी का प्रेशर मार दीजिए, जैसे कोई चीज होती है जैसे किसी चीज पे धूल जम जाती है। हाँ। उस पे अच्छे से क्लियर नहीं देखेगा। हाँ। तो इसलिए इसको साफ करना जरूरी है बस 10-15 दिन में एक बार, और बारिश के टाइम में तो वो भी जरूरत नहीं, बारिश के टाइम में तो अपने आप ही साफ हो जाता है। और जब से ये लगाया तब से अभी तक आपको कोई परेशानी इसमें दिखी है कि मतलब कंपनी वालों को कभी फोन करना पड़ा हो या कोई दिक्कत आई? जी अभी तक कोई नहीं है, हमें तो इसका फायदा ही फायदा हुआ भाई साहब, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। और आपको वेंडर ने क्या बताया कि कितने साल तक ये आपका चलेगा? इसकी ये वेंडर ने हमारे के ये 25 साल तक चलेंगे। 25 साल बहुत होते हैं, उसके बाद अपने प्लेट फिर चेंज करा लियो। बिल्कुल। स्ट्रक्चर यही रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या होता है कि जो सोलर पैनल का बोलते हैं ना कि हर कुछ सालों में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती चली जाती है, तो वो इतनी कम होती है, ज्यादा कम नहीं होती। 25 सालों में जैसे आज ये 100% बिजली बना रहा है, 25 सालों में वो 80% रह जाती है। 20% कम होती है, ज्यादा नहीं। तो वो फायदा ही फायदा होता है, और ये चलने को 30-40 साल अच्छे से चलेंगे अगर आपने मेंटेन करके रखे हैं। आपकी नजरों में सोलर लगवाना क्या फायदे का सौदा है, लोगों को लगवाना चाहिए या नहीं? भाई साहब मैं तो सभी को ये कहना चाहूंगा सोलर जरूर लगवाना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने घर के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जितना उसका लोड है उसके हिसाब से लगवाना चाहिए। इसके फायदे हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अब जो मैंने सोलर लगवाया जिस हिसाब से मेरा बिल पहले जितना आ रहा था, वो पैसे तो मेरे अगर 2-3 साल में कवर ही हो जाएंगे अगर मैं बिल ही नहीं भरूंगा तो। हाँ बिल्कुल। मैं ये आपसे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं कि जितना पैसा लगाया वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा। हाँ जी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, आप बोल रहे हैं कि आपने सब्सिडी आपको मिल गई थी तो लगभग 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट आपकी पड़ी। हाँ जी। और इसमें जो ये बिजली बना रहे हैं जिस हिसाब से, तो डेली की ये मान लीजिए 40 यूनिट भी हम मानते हैं कि डेली की 40 यूनिट बना रहा है, तो 10 दिन की हो गई 400 और एक महीने की हो गई अपनी 1200 यूनिट हो गई। तो महीने में जो आपकी यूनिट्स बन रही है, अगर 8 रुपए यूनिट के हिसाब से हम मान के चले, तो महीने में आप लगभग 10,000 रुपए की बिजली बना लेते हो। हाँ जी। जिस हिसाब से साल की आपकी बैठ जाती है 1.25 लाख रुपए। जी। और अगर उसको हम थोड़ा सा कम भी कर लेते हैं कि कभी मौसम ठीक नहीं है कुछ भी है, तो 1 लाख रुपए तो आप हर साल बिजली के बना रहे हो, उसमें 4 से 5 साल में आपकी पूरी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कवर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जब तक इनकी लाइफ है फ्री बिजली। जी। बहुत बढ़िया नरेश जी, आपसे बात करके बहुत सही लगा। तो ये थे 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सेटअप लगवाने के बिल्कुल नए प्राइसेस। 2024 में अगर आप 10 किलोवाट का सेटअप लगाओगे तो इतनी कॉस्ट आपको पड़ेगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज इसको लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।